press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अलाई खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाजिया जी, अगर ये वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा तो आप समझती हैं कि हार्श रिएक्शन आएगा? बहुत बहुत हार्श रिएक्शन आएगा, क्योंकि तीन तलाक बैन हुआ जिसमें यंगेस्ट काउंसिल में ही थी, फिर पॉलीगेमी हलाला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे है, और अभी तो मैंने एक और पीआईएल डाल दिया है कि जब तक मुसलमान बेटियों का क्वालिफिकेशन क्लास 12 तक ना हो तब तक निकाह नहीं होगा। इमाम साहब बैठेंगे, पहले बच्ची का क्लास 12 का सर्टिफिकेट देखेंगे और उसके बाद ही कबूले होगा। तो जिस तरह से हार्श रिएक्शंस आए हैं, क्योंकि अब तक इनके पैसों पर बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया गया है, मुसलमान जितने भी टेररिज्म माइंडेड है, तो अभी उतना ज्यादा हार्श रिएक्शन नहीं आ रहा है, पर इनको समझ में आ रहा है। ये पूरे ये जो अल्लाह के स्लीपर सेल बन चुके हैं, अल्लाह के मानने वाले नहीं बने हैं, अल्लाह के स्लीपर सेल जो बन चुके हैं, इनको समझ में आ रहा है कि जिस तरह से अरब कंट्री ने और अदर मुस्लिम कंट्रीज ने इनका भीख खत्म कर दिया है, पाकिस्तान का भीख खत्म हो चुका है, अब ये लड़ने के लिए भी ना थोड़ा 10 बार सोचेंगे कि भाई जब पैसा ही नहीं है तो लड़ेंगे कैसे। तो इनका जितना भी ये जो स्ट्रेटेजिकल जो इनकम था, ये खत्म करने की जरूरत है। और मेरे भारत में 26 नवंबर 1949 को ही हम तमाम भारतीय नागरिक ने अपने आप को सुपुर्द कर दिया था संविधान के। इस वक्त इस लम्हे आपसे बात करते वक्त जो बच्चा जन्म हुआ है, वो भी उसने भी अपने आप को संविधान में सुपुर्द कर दिया है। तो जब हमारे भारत में संविधान है और संवैधानिक देश है, तो मुझे लगता है ये सारे इडियोटिक और स्ट्रेटेजिकल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बंद होना जरूरी है। जो होगा देखा जाएगा, पर बंद तो करके ही रहेंगे। नाजिया जी, दो सवाल रह गए। मैं यहाँ पे जाता हूँ बाहर लंदन में कहीं, और मुझे पुलिस पकड़ती है और कहती है आईडी कार्ड दिखाओ। मैं घर पे भूल गया हूँ बटवा, तो मैं उसको कहता हूँ मैं घर पे भूल गया हूँ, तो वो मुझे कहता है अच्छा तुम्हारा नाम और डेट ऑफ बर्थ दो। मैं नाम और डेट ऑफ बर्थ दूंगा, वो अपने कंप्यूटर पे टेबलेट पे या मोबाइल पे डालेगा, मेरी पूरी फाइल आ जाएगी, फोटो आ जाएगी। भारत जब ये कोशिश करता है, और पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास कंट्री में भी नादरा है जिसके पास पूरा डेटा बेस है एक एक सिटीजन का, लेकिन भारत जैसे देश में जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। और खास तौर पे जिस जगह आप हैं कलकत्ता, वहां पे तो सबसे ज्यादा घुसपैठी है रोहिंग्या और ये सब आते हैं, और उनको सहूलियतें भी दी जाती हैं। तो आप समझती हैं कि ये भी जो जिसको क्या एनसीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या ऐसा ही कुछ है, ये भी आने वाला है क्या? हाँ जी, इवन लोकसभा इलेक्शन से पहले ही सीएए जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी भी हो ही जाएगा बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएए बहुत खूबसूरत स्टेप है, हमारे भारत में रह रहे घुसपैठियों को सरे आम उनके चेहरे से हिजाब उठाने के लिए। एंड आई रियली वॉन्ट टू टेक दिस स्टेप जो अभी आपने कहा है कि जैसे ही नाम और मोबाइल नंबर दो वैसे ही आपकी पूरी कुंडली खुल जाए, ये हमारे भारत में भी हम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे और बहुत इमीडिएट करेंगे। क्योंकि देखिए, हम अपने घर में 3 दिन से या 4 दिन से या 10 दिन से ज्यादा मेहमान पसंद नहीं करना चाहते हैं। अब बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। तो एक इतने बड़े देश में, कितने तरक्की याफ्ता देश में, कितने प्रोग्रेसिव देश में, भारत मेरे भारत देश में अगर घुसपैठिया है तो वो क्यों है? एक तो जो देशवासी है उनका निवाला वो छीन करके खा रहा है, उनकी नौकरी वो छीन करके खा रहा है, उनकी धरती वो छीन करके ले रहा है। दूसरी चीज है कि कोई भी घुसपैठिया भारत से वो मोहब्बत नहीं कर सकता है जो भारत के पुत्र और पुत्री कर सकते हैं। जब हम किसी के यहाँ गेस्ट होकर के जाते हैं तो चीजें खराब हो जाए, घर बुरा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई उसका घर है वो समझेगा।
तो उसी तरीके से जब घुसपैठिया घुस करके रहते हैं तो उनको यही समझ में आता है कि भाई किसी का देश है, हम तो बस यहाँ पर आए हैं अपना टाइम बिताने के लिए और अपना फायदा उठाने के लिए। तो ऐसे लोगों के मुंह से हिजाब हम उठाने को बिल्कुल तैयार है और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ तैयार है। लास्ट में मैं जब भारत आ रहा था पहली बार 2 साल पहले, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सोमनाथ के मंदिर जाऊं, क्योंकि मैं बीइंग ए पाकिस्तान बोर्न बचपन से महमूद गजनवी को अपना हीरो समझता था, लेकिन फिर बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि हमारे पुरखों का गांव जहां पे मेरे फादर पैदा हुए थे, दादा और परदादा, वो सोमनाथ से 25-30 किलोमीटर के फासले पे है। तो मुझे फौरन एहसास हुआ कि महमूद गजनवी तो आके सबसे पहले हमारे गांव को लूटता था, हमारी औरतों को, हमारे पुरखों की औरतों को। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी और मैंने सोचा कि मैं शिव जी से जाके क्षमा चाहूं सोमनाथ के मंदिर में। मैं गया सोमनाथ के मंदिर, फिर मैंने कहा कि राम जी के राज्य में मेरे पुरखों के लोगों ने जितना सुकून से जिंदगी गुजारी है था किसी भी कभी भी नहीं हुआ। मैं अयोध्या गया, मैं मथुरा गया, मैं सब जगह गया और ये चीजें हैं जो बांधी हुई हैं। तो आप भी जय श्री राम को प्रैक्टिस करती हैं, मैं भी करता हूं, हम आपकी तरह, मैं भी अपने आप को सनातनी मुसलमान समझता हूं। तो मेरा सवाल यह है कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि आरिफ भाई आप भारत गए, आप इतने सारे मंदिरों में गए, आप किसी मस्जिद में क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा भाई साहब दो चीजें हैं, एक तो ये कि मुझे कोई ऐसी मस्जिद बता दो जो मंदिर पे नहीं बनी, क्योंकि जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है वो नाजायज है, और दूसरा यह है कि मुझे गारंटी दो कि मैं जामा मस्जिद दिल्ली में जाऊंगा तो इमाम बुखारी के जो गुंडे हैं वो मुझे जिंदा वापस आने देंगे, क्योंकि मैं तो इनकी नजर में काफिर हूं। तो नाजिया जी, ये जो मथुरा काशी बाकी सब तो हैं हजारों मंदिर, लेकिन मथुरा काशी में मैं गया तो मेरा दिल कट के रह गया जब मैं देखा कि इतने पवित्र मंदिरों के सर पे मस्जिद बनी हुई है। आप समझती हैं कि मुसलमानों को वॉलंटरली ये सब जगहें दे देनी चाहिए कि भाई साहब ये आपका है, इन्वेडर्स ने आके वो किया है, और ये सनातनी मुसलमान होने के लिए क्यों हमें इतना तंग किया जा रहा है, हमें इतना खतरा रहता है कि फतवे हमारे ऊपर होते हैं कि इनका तो सर तन से जुदा होना चाहिए, तो किस तरह भारत की सरकार ये चीजें हैंडल करे? देखिए, मुसलमान कभी भी इतनी बड़ी इंसानियत दिखा ही नहीं सकते हैं कि भाई बाबर अकबर औरंगजेब ने बहुत गलत किया था, आपकी बहु बेटियों के साथ साथ आपके आस्था और विश्वास और आपके पूजा की जगह भी ले ली। जो बहु बेटियों के साथ किया वो तो हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके आस्था की जगह आप वापस ले लो, ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अल कुरान इंसान बनाया ही नहीं है। वेरी फ्रैंकली, अल कुरान ने उनको इंसान बनाया ही नहीं है, वैश्य दरिंदा और अश्लील मर्द ही बनाया है। तो इस बात को तो यही खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो हिंदुओं को लड़ करके, और वो भी कैसी लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई लड़ करके, क्योंकि हिंदू बहुत के अंदर बहुत बर्दाश्त होता है, बहुत टॉलरेंस होते हैं। आपके पाकिस्तान में 72 फिरका एक दूसरे को काटता रहता है, हमारे भारत में 72 फिरका आराम से घूमता है सीना चौड़ा करके, और वो भी मोदी जी को गालियां दे दे करके, कोस कोस करके आराम से घूमता है। तो ये बात तो यहाँ पर एंड हो गई। द सेकेंड थिंग इज कि मैं तो मदरसे में भी जाती हूँ, मैं मजारों में भी एंटर करती हूँ और मैं मस्जिदों में भी एंटर करती हूँ, और ऐलानिया वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और एसपी को लेटर दे करके जाती हूँ कि मैं आ रही हूँ विजिट करने। जिस ठरके आजम और जाहिले आजम को मेरे साथ बुरा करना है आ करके दिखाए, पूरी हिम्मत के साथ मैं जाती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जिस दिन उन्होंने मेरे साथ बुरा किया उस दिन मेरे भारत के सनातनी भाई इनको इनकी औकात याद दिला देंगे, औकात याद दिला देंगे। हिंदू सनातनी जो पुरुष होते हैं ना, या महिलाएं जो होती हैं ना अरे भाई, वो उनके अंदर बर्दाश्त बहुत होता है, बहुत बर्दाश्त होता है। पर ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि कृष्ण भगवान जो बांसुरी वाले भगवान माने जाते थे, उन्होंने भी महाभारत कर लिया था मौका जब सिचुएशन आया था। और भगवान राम जो जिनको मतलब बहुत सभ्य, बहुत पेशेंस, बहुत बर्दाश्त वाले भगवान माना जाता है, उन्होंने रावण का वध कर दिया था। तो सनातन धर्म के लोग जब रुद्राक्ष की माला पकड़ सकते हैं तो भाला भी पकड़ सकते हैं, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। पर उनका फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि वो लीगल तरीके से, क्योंकि देश संवैधानिक है,
तो वो चाहते हैं कि संविधान के बैरिकेड में ही हम करें, सब कुछ करें। अब सर तन से जुटा, मुझे लगता है कि बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेवकूफ लोग हैं वो लोग जो सर तन से जुटा की बात अब इस इरा में और मेरे भारत की धरती पर कर रहे हैं। मैं ऐलानिया बार बार कहती हूँ कि सर तन से जुदा अगर हो सकता है तो सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के दीवाने स्लीपर सेल बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगवान राम और अर्जुन जी के योद्धा बनने को तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी राय खान जी का दमदार, बेबाक और धमाकेदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा, नाजिया खान जी ने ना सिर्फ शांति दूतों को जमके धोया बल्कि जिहादियों की भी जमके बैंड बजाई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।